कुछ दिन पहले ही कर्णवाश्रम जाने का मौका मिला। जैसा कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कर्णवाश्रम कौन सी जगह है, जबकि ये जगह हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए, क्योंकि यह वह जगह है जहां से कि हमारे देश भारत को भारतवर्ष नाम दिया गया। तो आइए इस जगह के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, और आशा है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे हर किसी को इस बात को बताने के लिए, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत जगह के होने के साथ साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह भी है। मालिनी के तट पर, जो मालिनी है, मालिनी एक नदी है, उसके तट पर स्थित कर्णवाश्रम या कर्ण के आश्रम के गौरवमय इतिहास के बारे में हमारे देश में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये जानकारी वर्तमान समय में सिर्फ विद्वानों को, बुद्धिजीवी लोगों को, या आप में से कुछ लोग जो भारतीय इतिहास या संस्कृति में रुचि रखते हैं, उन्हीं तक सीमित है। तो चलिए इसको हर एक नागरिक तक पहुंचाते हैं। इस बात को हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है, लेकिन ये कैसे पड़ा इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शायद ये भी हमारे संज्ञान में हो कि इस देश का नाम उस चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से पड़ा जिसने इस विशाल भूखंड को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था और कई वर्षों तक इस पर राज भी किया था। इस महान राज्य की उत्पत्ति तथा उसके हजारों वर्षों के स्वर्णिम युग से आज तक बहुत समय बीत चुका है। मालिनी नदी पूर्ववत की तरह आज भी प्रवाहमान है। अगर आप देखेंगे वीडियो में आगे आपको दिखाई देगी मालिनी नदी, मालिनी अभी भी पूर्ववत स्थिति में आपको मिल जाएगी। उसके तट पर विश्व विख्यात आध्यात्मिक और ज्ञान विज्ञान का केंद्र एक आदर्श महाविद्यालय, जहां पर कि 10,000 विद्यार्थी कुलपति कर्ण के अधीन शिक्षा ग्रहण करते थे। हिम से ढकी हिमालय पर्वत की बहुत सारी जो पर्वत श्रेणियां हैं, उनके दक्षिण में समानांतर श्रेणियों में स्थित है शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिव की जटाएं भी इसे कहा जाता है, जो कि साल के पेड़ों से बने घने जंगलों से ढकी हुई है। अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं कोटद्वार, तो आपको डायरेक्ट वहां से बस भी मिल सकती है, और आप देहरादून होते हुए भी आ सकते हैं। कोटद्वार से यह 14 किलोमीटर समथिंग की दूरी पर है, और यह एक खूबसूरत जगह पर, और इसे गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा सजाया भी जा रहा है। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये खूबसूरत वादियाँ आपका इंतज़ार कर रही होंगी, और आप देख सकते हैं कि ये सारे मेरे दोस्त हैं, और इन्हीं के साथ मैंने इस जगह को देखा, और इन लोगों ने इस जगह के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया जो कि मैं खुद नहीं जानता था। तो चलिए आते हैं फिर से इसके इतिहास पर, इस जगह के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। घने जंगलों से ढके इन पर्वतों के मध्य में बहती है यह पवित्र मालिनी नदी, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व इस नदी के तट पर स्थित था कण्व ऋषि का विश्वविख्यात आश्रम, जिसके लिए कि हमारे देश को विश्व गुरु भी माना जाता है। अगर आप यहाँ पर ये अकेडमी देखेंगे, तो ये भी कर्नल कोठियाल की अकेडमी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर कि ये नवयुवक आर्मी में भर्ती होने के लिए अपने जज्बे के साथ तैयारियों पर जुटे हुए हैं। और जब इनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, तो लगा कि वाकई ही ये लोग कितनी दृढ़ता से अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं। धन्य है कर्नल कोठियाल भी, जो कि इनको तैयार कर रहे हैं। मालिनी नदी के तट पर जो स्थित कर्णवाश्रम है, उसके गौरवमयी इतिहास से हमारे देश का क्या संबंध हो सकता है, ये हम अभी तक जान चुके हैं। कर्णवाश्रम न तो कोई धार्मिक स्थान है और ना ही कोई दैविक स्थल है। अभी तो ये तो वो भूमि है जो कि इस महान राष्ट्र भारत की आत्मा जानी जाती है, और उससे जन्मी उत्सर्जक का प्रतीक है। इस स्थान को उसकी भव्य ऊंचाइयों तक पहुंचाना इस देश के प्रत्येक नागरिक का सपना और कर्तव्य होना चाहिए, जो कि हम लोगों को ही इसे करना है। विश्व के अनेक राष्ट्र जो कि उनकी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, और उस राष्ट्र के हर नागरिक को प्रेरित करता है। जनमानस और प्रतिष्ठित व्यक्ति इन स्मारकों में जा अपना शीश झुका उस राष्ट्र के निर्माताओं को श्रद्धांजलि देते हैं। पर हमारे देश का ये दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में पता भी नहीं है, और खासकर हमारी नई पीढ़ी को। पर हमारे राष्ट्र में ऐसा कोई स्मारक अभी तक बना नहीं है जो इस राष्ट्र के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट भरत को समर्पित हो। फिर भी बहुत समय आज तक बीत चुका है, पर अभी भी देर से ही सही, पर ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं और उठाए जा रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
कि आगे जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश जाए कि वे भी इस विशाल भूभाग को एकीकृत रखे जैसा कि चक्रवर्ती सम्राट भरत ने किया था, ताकि हम सब इस देश को आदर्श से भारतवर्ष करके संबोधित करते रहे। चलो ना घूमते हुए।